नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं और आपको बिल्कुल भी नहीं पता है टेक्निकल का, और आप ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि कैसे मुझे पता चल जाए कि कंपनी कहाँ पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा और कहाँ पर कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा और वहाँ से गिरना स्टार्ट होगा, अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। लेकिन ये पता चलेगा कैसे, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर बताता हूँ, काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर लगाते ही ये आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये अपना रेजिस्टेंस लेगा, कहाँ पे ये अपना सपोर्ट लेगा, कहाँ से कंपनी सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करके ग्रो करेगा और कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके या गिरना स्टार्ट करेगा। आप देखेंगे जैसे ही ये इसको क्रॉस किया उसके बाद इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई, और जैसे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया उसके बाद ये अच्छी खासी ग्रोथ के साथ यह ऊपर गया। अगर ये आपको भी पता चल जाए तो शॉर्ट टर्म में आप अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा इंडिकेटर है और वो कैसे काम करता है। दोस्तों अगर आप इंडिकेटर पे जाना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू के आप चाहे तो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली उसके वेबसाइट पे जाकर अपना स्टॉक सर्च कर सकते हैं। स्टॉक सर्च करने के बाद आपको जाना है इंडिकेटर पे। जैसे आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन भी देता है, और आप चाहे तो डायरेक्टली स्क्रॉल करके भी इसको देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइनर। अगर जैसे आप लाइनर सर्च करते हैं आप देखेंगे नीचे एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, और अगर उस ऑप्शन की बात करें तो लाइनर ग्रेस चैनल करके ये एक इंडिकेटर है जो कि काफ़ी यूजफुल है। आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये आपके स्टॉक पे आप देखेंगे अप्लाई हो चुका होगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको पता चलती हैं। पहला आपको पता चलेगा कि उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर ये ऊपर साइड में है तो इसका मतलब है कि इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, और साथ के साथ आपको यहाँ पे सपोर्ट भी पता चलेगा, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगा। यानी बिना आपको कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ आपको मुझे तीन चीज़ें आपको तुरंत पता चल जाएगी, और जैसे आपको पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेड लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखते हैं क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखेंगे बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, सपोर्ट के बाद अच्छी खासी ग्रोथ आई। यहाँ पे ये थोड़ा सा रिग्रेट हुआ, थोड़ा सा ये आकर डाउन आकर अगेन मिडिल में सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगेन बाउंस बैक किया। यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकआउट दिखाया ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और कंपनी उसके बाद काफ़ी बुरी तरीके से नीचे गया। नीचे जाने के बाद फिर से सपोर्ट लेता है और अगेन बाउंस बैक करता है। यानी ये पूरी तरीके से काम कर रहा है, और कोई भी इंडिकेटर वो 70-75% मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80% तक ही काम करता है। आप 100% किसी भी इंडिकेटर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप देखेंगे रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको दिखाया है, तो क्या हमें निकलना है या फिर बने रहना है? ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो सकता है, इसीलिए इसके बाद जो एक से दो ट्रेडिंग सेशन होगा उसको देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, जैसे इसके लो को तोड़कर उसके नीचे जाता है तो बिल्कुल आप इसमें सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर ये जैसे ही ब्रेक करके उसके ऊपर आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे आप बाई करते हैं, आपका पहला टारगेट ये होगा। जैसे इसको ब्रेक करके इसके ऊपर निकले दूसरा टारगेट आपको इसको बना के चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।